Hello everyone, I hope you all are doing fine students. So yes, let's have a look at the answers of the question. I hope आप सबने सॉल्व किया है बिल्कुल ईमानदारी के साथ में. जानते हैं क्या थे उनके आंसर्स और बाकी ऑप्शंस को भी हम लोग डिस्कस करते हैं. पहला सवाल आपसे पूछा गया है, द प्राइमरी स्ट्रेन यूज फॉर एंडोस्पोर स्टेनिंग इज. स्ट्रेन नहीं आएगा बच्चों, स्टेन है. ठीक है, कौन सा स्ट्रेन हम यूज करते हैं अगर हमको एंडोस्पोर स्टेनिंग परफॉर्म करनी. देखो, क्रिस्टल वायलेट को आप यूज करते हो, सैफ्रोनिन को आप यूज करते हो फॉर ग्राम स्टेनिंग. इनको हम लोग यूज करते हैं फॉर, जिसमें आप क्रिस्टल वायलेट यूज करते हो, सैफ्रोनिन यूज करते हो, उसके अलावा ग्राम्स आयोडीन भी यूज किया जाता है. कार्बल फ्यूजन जो इंटरैक्ट करता है विथ माइकोलिक एसिड, ये क्या करता है बच्चों, तो ये स्टेन करता है माइकोबैक्टीरियम. इसको हम यूज करते हैं फॉर एसिड फास्ट स्टेन. और अगर हम बात करते हैं मैलेचाइट ग्रीन की, तो मैलेचाइट ग्रीन क्या होता है, वो हम यूज करते हैं फॉर परफॉर्मिंग द एंडोस्पोर स्टेन. ठीक है, इसको हम यूज करते हैं टू परफॉर्म द एंडोस्पोर स्टेनिंग. देखा जाए तो एंडोस्पोर स्टेनिंग में हम लोग मैलेचाइट ग्रीन भी यूज करते हैं, सैफ्रोनिन भी यूज करते हैं, जो प्राइमरी स्टेन रहता है वो मैलेचाइट ग्रीन रहता है. हमको इस तरीके से इसमें स्पोर्स फिर देखने को मिलते हैं. ओके, अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, द मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस. एंजाइम होता है लूसीफरेज, जो एंजाइम हेल्प करता है इन परफॉर्मिंग दिस बायोल्यूमिनेसेंस. बहुत बच्चे इसका आंसर समझते हैं फ्लोरोसेंस होगा, बट इसका आंसर ये नहीं होगा. ठीक है, एक ऐसा मैकेनिज्म जहाँ पे आप केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू लाइट एनर्जी, बैक्टीरिया इन्वॉल्व और यूज देयर इज दिस विब्रियो फिशरी. विब्रियो फिशरी क्या करता है, तो विब्रियो फिशरी जो है ये एक सिम्बायोटिक इंट्रैक्शन में रहता है, ये फिशेस के टेल में प्रेजेंट रहता है. अगर देखो मेरी फिश कोई बहुत अच्छी नहीं, अगर हम बात करते हैं एक फिश की, तो फिश का जो टेल रहता है ना, यहाँ पे विब्रियो फिशरी प्रेजेंट रहते हैं. और ये जो विब्रियो फिशरी होता है, ये जो हमारा विब्रियो फिशरी रहता है, ये क्या करता है, तो वहाँ पे रहता है, और जब ये ग्लो करते हैं तो उसके ग्लो करने की वजह से फिश भी ग्लो करेगा. अगर फिश ग्लो करता है तो प्रेडेटर्स उसको खाने की कोशिश नहीं करते हैं. तो द फिश इज गेटिंग प्रोटेक्शन ड्यू टू दिस विब्रियो फिशरी. बदले में इसको क्या मिल रहा है, तो रहने की जगह मिल रही है, खाना मिल रहा है, सब कुछ. सो दैट इज हाउ दे आर लिविंग इन अ बायोटिक रिलेशनशिप. ठीक है, और ये जो बायोल्यूमिनेसेंस होता है वो एक साथ में कब परफॉर्म करते हैं, तो अ मैकेनिज्म कॉल्ड एज कोरम. ठीक है, तो कोरम सेंसिंग से हमको ये चीजें देखने को मिलती है कि क्या होता है कि बैक्टीरिया सब एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं एंड वो सिग्नल को रिसीव करके रिस्पॉन्ड करते हैं बाय द कंपोनेंट सिस्टम. अगला क्वेश्चन, द रिलीज ऑफ टर्मिनल डी एलानिन फ्रॉम द पेंटापेप्टाइड ड्यूरिंग द क्रॉस लिंकिंग इज कैटेलाइज्ड बाय. अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल के क्रॉस लिंकिंग की, तो बच्चों नाग नाम के इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग रेसिड्यूज हमको देखने को मिलते हैं. तो जो नाम रेसिड्यू रहता है ना, उस नाम रेसिड्यू के आगे हमको ये पांच अमाइनो एसिड देखने को मिलते हैं. तो जो लास्ट अमाइनो एसिड रहता है वो होता है हमारा ये डी एलानिन. तो एक एंजाइम होता है ट्रांसपेप्टाइडेज, ये एंजाइम ट्रांसपेप्टाइडेज क्या करता है, तो ये इस लास्ट एलानिन को पहले तो यहाँ से रिमूव करता है, और इसको रिमूव करने के बाद फिर क्रॉस लिंकिंग की जाती है. तो ये प्रोसेस जिसमें हम रिलीज कर रहे हैं टर्मिनल डी एलानिन को फ्रॉम द पॉलीपेप्टाइड, फ्रॉम द पेंटापेप्टाइड सॉरी, इसको परफॉर्म कौन करता है, तो इसको परफॉर्म करता है एंजाइम ट्रांसपेप्टाइडेज. ये दो टाइप के आते हैं, एक होता है एल डी ट्रांसपेप्टाइडेज, एक होता है डी डी ट्रांसपेप्टाइडेज. एल डी ट्रांसपेप्टाइडेज जो है वो थर्ड एंड थर्ड अमाइनो एसिड के बीच में लिंकेज बनाता है, डी डी होता है ये थर्ड एंड फोर्थ अमाइनो एसिड के बीच में लिंकेज बनाता है. अमाइनो एसिड जो होते हैं उनके यूजुअली एल फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, बट ये जो डी फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड है बच्चों, ये यूजुअली सिस्टम में तो बायोलॉजिकल सिस्टम में तो प्रेजेंट नहीं रहते हैं, बट हाँ ये इस तरीके से रेयर जगह, मतलब जैसे कि सेल वॉल है, वहाँ पे हमको देखने को मिल सकते हैं. तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही जवाब है. अगला सवाल, वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर्स इन प्रोकैरियोट्स बट नॉट इन
यूकेरियोट्स। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पूछा गया है कौन सा इवेंट है जो प्रोकैरियोट्स में होता है यूकेरियोट्स में नहीं होता। तो इसका आंसर होगा बच्चों कंट्रोल बाय एटेन्यूएशन, बिकॉज एटेन्यूएशन तभी काम करता है जब परफॉर्म हो, जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड हो। और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल्ड होता है सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर में, यूकैरियोट्स में साथ में तो नहीं होते, उनके अंदर में अलग अलग टाइम पीरियड पे होते। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही जवाब। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ लैग फेज यूजुअली डू नॉट। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों ग्रोथ कर्व की, तो जो भी हमारा ये ग्रोथ कर्व होता है इसमें क्या होता है, तो पहले चलता है लैग फेज, फिर चलता है लॉग फेज, स्टेशनरी फेज आता है और फिर डेथ फेज आता है। तो अगर मैं इन अलग अलग फेज की बात करूं, सबसे पहले आता है लैग फेज। लैग फेज एक वो फेज होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपने आप को उस नए एनवायरनमेंट में अडाप्ट कर रहा है, कि वहाँ पे कौन सा कार्बन सोर्स है, कौन सा सोर्स है, उसको कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें को देख रहा हो। फिर सेकेंड आता है बच्चों लॉग फेज, हम एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, बहुत ज्यादा रैपिड यहाँ पे सेल डिवीजन नजर आता है। यहाँ पे ऑन एक्स एक्सिस वी प्लेस द नंबर ऑफ सेल्स, सॉरी वाई एक्सिस पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ सेल्स और एक्स एक्सिस पे हम लिखते हैं टाइम। बट एक टाइम ऐसा आ जाएगा फिर कि न्यूट्रिएंट सारा का सारा खत्म हो जाएगा, तो न्यूट्रिएंट्स इज डिप्लीटेड एंड जो भी वेस्ट मेटाबोलाइट रहेगा वो वहाँ पे अक्यूमुलेट होने लगे। तो ये जो फेज रहता है ये फिर कहलाता है स्टेशनरी फेज। इस स्टेशनरी फेज में हमको ज़्यादा बेहतर ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। और फिर आता है बच्चों इनका डेथ फेज, या फिर हम बोल सकते हैं डिक्लाइन, जहाँ पे अब सब कुछ खत्म हो चुका है, नाउ द ऑर्गेनिज्म स्टार्ट टू डाई। अब पूछा गया है कि किस कंडीशन में लैग फेज नहीं होगा, लैग फेज कब नहीं होगा। इफ इट इज टेकन फ्रॉम ओल्ड स्टेशनरी फेज एंड नॉकलेट इन द सेम मीडियम, हो सकता है ओके। बट स्टेशनरी फेज में क्या हो जाएगा, स्टेशनरी फेज आते आते वो बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर लेता है, एंटीबायोटिक बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, सारी चीजें कर। पर अगर आपने ऐसा किया कि जो बैक्टीरिया हमारे बी फेज में था जो बहुत रैपिड ग्रो हो रहा था, उसको ही आपने लेके सेम मीडियम में ऐड कर दिया, अब क्या हो जाएगा, उसको टाइम नहीं लगेगा वहां पे जाके अपने आप को अडाप्ट करने के लिए, तो वो लैग फेज में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली परफॉर्म कर देगा एक्सपोनेंशियली ग्रो होना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो आई होप द आंसर्स आर क्लियर टू एवरीवन, ओके। आप लोग डेली जाना हमारी वेबसाइट पे, ऐप पे, और वहाँ पे डेली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। विजिट द वेबसाइट ifsonline.com, वहाँ जाना है आपको IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन में, जाइए, लर्न फ्री में, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो आपको स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर में डे वन से लेकर लाइन से टेस्ट लोड हो रहे हैं, जाके उनको डेफिनेटली सॉल्व कीजिए। सो आई होप द आंसर्स आर क्लियर टू एवरीवन। Have a great day to all and a